बच्चों की नशोनुमा के लिए इस टाइप की हेल्दी एक्टिविटीज बहुत ज़रूरी है। हम खाली ज़ाहिर है, जैसे मैंने पहले भी कहा कि पढ़ाई हमारी लर्निंग विधान होती है, इस तरह से कि बच्चे प्रेशराइज ना हो, लेकिन इस टाइप की एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक हेल्दी इन्वायरमेंट होता है इसमें, एक हेल्दी कॉम्पिटिशन होता है बच्चों के अंदर, एक टीम वर्क के साथ ये काम करते हैं और खेल रहे हैं। इसमें इसका मकसद कोई जीत और हार नहीं है, इसका सिर्फ एक मकसद ये होता है कि हेल्दी कॉम्पिटिशन के तौर पर बच्चों को आगे लेके आएँ और वो एक दूसरे में रिस्पेक्ट और पेशेंस और टॉलरेंस पे। एजुकेशन सिस्टम के बारे में जब हम अपने एकेडमिक्स की बात करें तो हमारा जो शाहजिलायत एजुकेशन ट्रस्ट है, इसकी मेरे ख्याल में इट्स अ नोबल कॉज, एक बेहतरीन साजिश है। ये सामने कैंपस वन कैंपस टू खड़े हुए हैं, बहुत कम फी स्ट्रक्चर के साथ जो हम फैसिलिटीज दे रहे हैं, जो हम काम कर रहे हैं, मतलब मेरे ख्याल में तो बहुत मेंशनिंग, और जो इन लोगों की जो जिस तरीके से इन लोगों के पर्पजबल कैंपस हैं, जिस तरीके की फी स्ट्रक्चर के साथ हम बेहतरीन पढ़ाई इनको एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग्स के साथ हम इनकी पढ़ाई करा रहे हैं, तो वो तो नाकाबिले बयान है। और मेरे ख्याल में जब तक पर्सनली आके ना देखा जाए, मैं नहीं समझती हूँ कि आप लोग समझ सकेंगे क्या है। इट्स अ ब्रिलियंट वर्क विच दे आर डूइंग। स्पोर्ट्स हमारे पास एक्टिविटीज पूरा साल ही हो रहे होते हैं स्कूल्स में, लेकिन ये एक ग्रैंड इवेंट है जिसके अंदर हर बच्चे को पार्टिसिपेट करने का और अपना अपनी सलाहियतों को दिखाने का मौका मिलता है। हर बच्चा पार्टिसिपेट करता है, ये एक्सपोजर से उनका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्टअप होता है, सब टीम की तरह काम करना सीखते हैं और करके दिखाते हैं पेरेंट्स को, जो वो उनमें चेंजेस आ रहे होते हैं वो देख सकते हैं पेरेंट्स। आपके स्कूल का बच्चा जब यहाँ से स्पोर्ट्स एक्टिविटी में हिस्सा लेता है तो उसके कराची के अंदर आम स्कूलों के अलावा कंपटीशन के लिहाज से किस लेवल पे जाता है, क्या उसका मोरल होता है बच्चे का और उसके अंदर क्या पॉजिटिविटी आती है? देखिए, हमारे बच्चे स्कूल से निकल के अपने कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में भी स्पोर्ट्स को उसी तरीके से परफॉर्म करते हैं। बच्चा ज़्यादा कॉन्फिडेंट होता है, एक हेल्दी माइंड के साथ होता है। अगर बच्चा खेलों में अच्छा होगा तो डेफिनेटली पढ़ाई में भी अच्छा रहेगा, ये दोनों चीज़ें इंटीग्रेटेड होती हैं। तैयारी पूरे महीने अपनी पूरी जोश और खरोश के साथ करते हैं और फिर आज के लिए बहुत एक्साइटेड होते हैं, पेरेंट्स भी और बच्चे भी और हम सब टीचर्स, स्टाफ, पूरा स्कूल मैनेजमेंट, क्योंकि ये वो दिन है जिस दिन हम सब एक साथ होते हैं और अपने बच्चों को यहाँ परफॉर्म करता हुआ देखते हैं और अच्छी सेहतमंद एक्टिविटीज़ होती हैं जिससे बच्चे खुश होते हैं, पेरेंट्स भी अच्छा फील करते हैं और उनके लिए आगे उनकी नशोनुमा के लिए बहुत जरूरी है। और जहाँ तक हमारे पाकिस्तान का ताल्लुक है, हमारे पाकिस्तान में बच्चों को सेहत की बहुत ज़रूरत है, अच्छी एनवायरनमेंट की बहुत ज़रूरत है, अच्छी एजुकेशन की बहुत ज़रूरत है, तो प्लीज़ शाहजिला पब्लिक स्कूल विच आई आर लेवल बेस्ट, कि हम दोनों चीज़ें साथ लेकर चलें, एक अच्छी एनवायरनमेंट भी दें, अच्छी एजुकेशन भी दें और अच्छी सेहत भी दें। हमें बहुत हाई होप्स हैं इन बच्चों से, बिकॉज दे आर वेल ट्रेन्ड और बहुत ज़्यादा इनके अंदर पोटेंशियल है इन एवरी फील्ड, लाइक टैकोंडो के दूसरे जितने भी हमारे पास स्पोर्ट्स की वट एवर वी आर ऑफरिंग इट शाहबलाए, दे आर एक्सेलिंग इन लाइक एवरी परफॉर्मेंस और जाके ये अपना बेस्ट शॉट देते हैं, ये उसके इंटर स्कूल्स पे भी जाके पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सो वी हैव वेरी हाई होप्स कि इंशाल्लाह द शाहबलाइटियंस विल मेक अ गुड नेम अहेड इन दिस स्पोर्ट्स।